मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। आज का टॉपिक है यूज ऑफ ए एंड द। ए एंड द का प्रयोग करना। ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स क्या है? दीज वर्ड आर यूज टू डिफाइन वेदर अ नाउन इज डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट। जो संज्ञा को संबोधित करते हैं, दर्शाते हैं, जो किसी संज्ञा के आगे लगकर, किसी नाउन वर्ड के आगे लगकर यूज में होते हैं, वे सभी आर्टिकल्स कहलाते हैं। नाउन्स किसी का भी नाम, व्यक्ति का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग्स का नेम हो, एनिमल्स का नेम हो या प्लेस का नेम हो, उन सभी के आगे जो शब्द लगते हैं ए एंड द, ये सभी आर्टिकल्स कहलाते हैं। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इन तीनों को हम आर्टिकल्स कहते हैं। अब हम फर्स्ट यूज ऑफ ए, ए का प्रयोग करना। यहाँ पे हम देखेंगे कि ए का प्रयोग, ए शब्द का उपयोग हम किस किस शब्दों के आगे, किस किस नाउन के आगे यूज में लेते हैं। फर्स्ट ए इज यूज्ड विथ सिंगुलर वर्ड्स। सिंगुलर वर्ड्स कौन से होते हैं? एक वचन। कोई भी वस्तु हो, कोई भी प्लेस एक हो, यदि व्यक्ति एक है, प्लेस एक है, कोई थिंग्स एक है, एनिमल एक है, तो उनके आगे ए वर्ड यूज होता है। पर वो विच बिगिंस, जो शुरू होते हैं विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जो किसी व्यंजन साउंड से, व्यंजन स्वर से, व्यंजन ध्वनि से उत्पन्न होते हैं। हम यहाँ जानते हैं कि व्यंजन कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन से कहलाते हैं। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ई टी सी, वे सभी कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो जो भी वर्ड बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनसे शुरू होते हैं, इनसे स्टार्ट होते हैं, उन वर्ड्स के आगे हम ए का यूज करते हैं। जैसे अ जिराफ इज अ वेरी टेल एनिमल। अब हम यहाँ देखते हैं कि जिराफ एक एनिमल है, एक एनिमल का यूज किया गया है। जिराफ यहाँ पर एक ही एनिमल है, इसलिए हमने ए का यूज किया है। जिराफ की स्पेलिंग जी से स्टार्ट होती है, तो जी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे हमने ए का यूज किया है। तो अ जिराफ, जिराफ की, जिराफ इज अ वेरी टेल एनिमल। जिराफ बहुत ही, बहुत लंबा पशु है, जानवर है। सेकंड है अ कार इज पार्क्ड ऑन द स्ट्रीट। यहां पर भी कार सी वर्ड से शुरू हो रही है। कार, कार के आगे सी, के आगे सी से स्टार्ट हो रही है, इसके आगे हमने ए का यूज किया है। तो कार के लिए हमने ए, अ कार इज पार्क की गई है ऑन द स्ट्रीट, गली पर पार्क की गई है। इसी तरह से कुछ वर्ड होते हैं अ फॉक्स, अ बनाना, अ पेन। ये तीनों ही वर्ड आप देखेंगे तो अ पेन पी से स्टार्ट है, बनाना बी से स्टार्ट है और फॉक्स एफ से स्टार्ट है, और ये तीनों ही वर्ड कॉन्सोनेंट हैं, तो इनके आगे हमने ए का यूज किया है। इसी तरह से जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट व्यंजन से स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम ए का यूज करते हैं, और वह सिंगुलर, एक वचन यानी एक ही होने चाहिए, तब हम ए का यूज करते हैं। थैंक यू।